हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट 29 सितंबर यानी वेडनेसडे की वर्कशीट है और क्लास 6 की स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आप क्लास टीचर का नाम लिख। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन अ ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, ऑल्सो कलर द काइट गिवन। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल दिन है जब जब लोग पतंग उड़ाते हैं, और आपको यहाँ पे बनी जो काइट है इसको कलर करना है। तो हम पतंग कब कब उड़ाते हैं? हम मकर संक्रांति में उड़ाते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे में उड़ाते हैं। इस तरीके के ऐसे काफी सारे स्पेशल डेज है जब पतंग उड़ाई जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। क्वेश्चन 1, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आगे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें ब्लैंक स्पेसेस है, तो आपको इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। और आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ ये जो नीचे वर्ड बॉक्स दिया गया है, इनमें से ये सारे वर्ड्स आपको चूज करके यहाँ पे फिल करने हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स, द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, द काइट रेस्ट्स एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, यू वाइंड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स, when a new wind blows you unwind it again, the new wind fills the wings of the kite with air and it goes up again. question 2 hai, match the words from the poem to their meanings. to column a aur column b dono mein aapko kuch words diye gaye hain. column a mein jo words hai uski meaning aapko column b mein di gayi hai, to aapko sahi word ko uski sahi meaning se match karna hai. to pehla word hai hamara crest. crest ka matlab hota hai unchai, iska meaning ho jayega द हाइएस्ट पॉइंट, यानी सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है क्रेस्ट। दूसरा है रैगेड, इसका मतलब होता है टॉर्न यानी फटा हुआ। फिर है फ्लैप्स यानी फ्लटर्स, हम विंग्स को फ्लैप करते हैं, जो चिड़िया होती है वो विंग्स को फ्लैप करती है। फ्लैप यानी विंग्स को जब ऊपर नीचे करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैप्स या फ्लटर्स। फिर है स्लैक यानी लूज यानी ढीला छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोयम। तो यहाँ पे आपको चार वर्ड्स दिए गए, इसके राइमिंग वर्ड्स यानी जिसका इस वर्ड से मिलता जुलता राइम हो, रिदम हो, लय हो, वो वर्ड्स आपको लिखना है। तो पहला है न्यू, न्यू का हमें मिलता है पोयम से ब्लू। बी है ब्लोज, तो ब्लोज का आप देखोगे पोयम में तो इसका राइमिंग वर्ड है गोज। तीसरा है टेल, टेल का है सेल। फिर है सी और सी का है ट्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको पोयम से स्टैंजा दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको रीड करेंगे और इसी से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आगे, वो आपको आंसर करने हैं। और हेल्पिंग वर्ड्स भी साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं आपकी हेल्प के लिए। पहले हम पोयम देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल, देन रोड्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, देन सीम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द काइट, तो काइट कहाँ पे है? तो काइट कहाँ है? काइट पर आसमान में उड़ रही है, तो आंसर हो जाएगा काइट इज इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड सोर मीन? सोर का मतलब होता है राइज यानी ऊंचा उड़ना, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? द वर्ड सोर मीन्स राइज। सी है, व्हाई डज द काइट सोर हाई, यानी काइट ऊपर क्यों उड़ती है इतना? द काइट सोर्स हाई बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द विंड, यानी जो हवा जो है, हवा की वजह से, हवा की ताकत की वजह से वो विंड पर आसमान में ऊंची ऊंची है। डी, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड फॉल्स, तो जब हवा रुक जाती है यानी हवा जब कम हो जाती है तो क्या होता है? व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट, यानी जब हवा बंद होती है चलनी तो ऐसा लगता है कि काइट अब रेस्ट करे, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो काइट नीचे आने लगता है, ऐसा लगता है कि ये थक गई है, अब उसे थोड़ी सी आराम करने की जरूरत। लास्ट क्वेश्चन इज, स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। तो आपको राइमिंग वर्ड का एक पेयर लिखना है, यानी कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, जैसे ब्लू है, ब्लू का राइमिंग वर्ड है न्यू, फिर डिप का राइमिंग वर्ड है शिप, सेल का राइमिंग वर्ड है टेल, टाइट्स का है राइट्स, क्रेस्ट का है रेस्ट, तो इनमें से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइट्स और राइट्स।
तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।